वेलकम बैक टू द अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज मैं किसी के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूँ, वो क्या है, रग से बिस्मिल ड्रामा आया था। काफी टाइम हो गया इस ड्रामे को आए को, और उसका जो ओएसटी है मैंने कभी सुना नहीं, मैंने तो ड्रामे का नाम भी पहली बार ही सुना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विक्की अकबर ने इसको गाया, म्यूजिक दिया हसन अली। सारा इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, और इनका भी तो नाम भी याद आ रहा, इनको भी मैंने काफी सारे उसमें देखा है, ड्रामास में भी, मूवी में भी है। ये प्यारे लग रही है। बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला, भुक दिया मिलसावल यार वे, भुक दिया मिलसावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया बिलसावल यार वे, ओ कदिया बिलसावल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल पास ना पास वे, मेरी ना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिलसावल यार वे। ये बचा रहे हैं ना उनको, भाई मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ आया, मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। बट लेकिन ना सारा प्यारी लग रही थी, एंड विक्की की जो आवाज़ है ना, मैं तो उस सॉन्ग को सुनी जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर हो क्या रहा है। हाँ, मेरे को नाम याद आया कि इमरान अशरफ थे, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं, उनकी भी मतलब मूवीज आ रखी है। एंड इसमें मेरे को ये लग रहा था कि लड़की के जो फादर होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, इमरान अशरफ होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो बचा रहे होते हैं सारा को, छुड़वा के लेके जा रहे होते हैं, एंड सारा काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है, परेशान रहती है, उनको वो ज्यादा परेशान करते हैं, ये पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड सारा को मतलब आज देखते हैं तो आज सारा थोड़ी डिफरेंट लगती है, मतलब पहले तो मतलब यार कैसी लग रही थी वो, थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ काफी चेंज आ चुका है उनके अंदर। बाकी मेरे को इस ड्रामा की कोई स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं ड्रामास देखना शुरू कर दूं, बट लेकिन हाँ मैंने देखना शुरू कर दिया है प्यार हुआ था जिसके अंदर हानिया है ना, मैं बाकी और भी देखूंगा, बट लेकिन मेरे को ना टॉप थ्री आप सजेस्ट करना, टॉप थ्री फिलहाल तो मेरे को टॉप थ्री चाहिए, मतलब जो ओके हूँ मजा आ जाए देखने में। एंड सारे ही परेशान थे, और मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि जो इमरान अशरफ है वो एक लड़के को मारने जाते हैं, क्यों मारने जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है। भाई इन सब चीजों को समझने के लिए ड्रामा देखना जरूरी होता है। और कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं कि भाई बंदे लिखते हैं कि हमें ड्रामा समझने के लिए तो भाई ओएसटी सुनना पड़ता है, और हम समझ जाते हैं पूरा। भाई आप सबका दिमाग तेज है, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। एंड जब यार इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है ड्रामा बनाया, देख लेना चाहिए ना, देखूंगा मैं। बाकी आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड
इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इंडियंस पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं भाई, बड़े दिल से देखते हैं, खुश होकर देखते हैं। मैं तो एक फ्रेंड के घर गया था भाई, वहां भी जाके पता लगा कि उसकी मम्मी भी मेरे हमसफर देख रही थी, मेरे सामने की बात है। सो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं है जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे को और वीडियोस के लिए बताते रहा करो कि मैं किस किस के ऊपर रिएक्शन करूं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, रब रखा।